रोहित, यू रियली फनी। वैसे एक बात बताऊं पूजा, तुम भी कुछ कम फनी नहीं हो। मैं? हाँ तुम। कौन कहेगा तुम अजय ठाकुर डीआईजी की बहन हो? क्यों? क्योंकि वो इतने सीरियस है, तुम इतनी चंचल, वो इतने लंबे हैं, तुम इतनी ठिंगड़ी है? वो मर्द है तुम औरत है ना, सोचो। ओह गॉड रोहित। भैया हमेशा ऐसे नहीं थे, उनकी मुस्कान ने उनका साथ छोड़ दिया। एनीवे कह दो पूजा, बातें करने से मन का बोझ हल्का होता है। मैं 4 साल की थी जब मेरे माँ बाप गुजर गए, लेकिन भैया ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। 5 साल पहले वो यहाँ ट्रांसफर हो गए और आते ही उन्होंने हबीबुल्ला और मुन्ना के साथ टक्कर ले ली। आज के हमारे समाचार हैं, कश्मीर के हमारे संवाददाता ने हमें खबर दी है कि हाल ही में नियुक्त डीसीपी श्री अजय ठाकुर ने कट्टर उग्रवादी मुन्ना को पुलिस मुठभेड़ में जख्मी करके गिरफ्तार कर लिया है। मुन्ना की गिरफ्तारी से पुलिस को ये उम्मीद है कि आतंकवादी गतिविधियों को काफी धक्का पहुंचेगा। हमारे संवाददाता ने श्री अजय ठाकुर से सीधी बातचीत की। सर, मुन्ना जैसे हार्डकोर टेररिस्ट को पकड़ने में आपको डर नहीं लगता? God, he's so handsome. क्या हो गया तुझे? टेररिस्ट पकड़ने लगे हैं? मैं उस गुंडे की नहीं, तेरे भैया की बात कर रही हूँ स्टूपिड। मुन्ना और उस जैसे जो चाहे कर ले, मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। तूने कभी बताया ही नहीं कि तेरे भैया इतने डैशिंग हैं। नहीं, वो लोग कभी मुझसे जीत सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो अपनी छोटी सी जान और खोखले गुरूर के लिए लड़ रहे हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर ना, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि भैया इतने डैशिंग लगते हैं। और मैं अपने देश के लिए। अच्छी फ्रेंड है, अब तक छुपाए रखा। छुपा रखा? अरे मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, मैं भी तो उन्हें छुट्टियों में मिलती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? आ रही हूँ, मैं चिपकाने जा रही हूँ। ओके। अरे तुलसी में ऐसा क्या है? इल्ला मत, वरना गोली चल जाएगी। जानती है मैं कौन हूँ? मुन्ना, तेरा भाई क्या समझता है, मुझे जेल में बंद करके रखेगा? अरे मुझसे टक्कर लेने का उसे क्या इनाम मिलेगा जानती है? बोल, जानती है तू? बोल बोल। भैया डराने लगा मुन्ना बन के, ये सब तेरी वजह से हुआ है। आप कुछ भी कर सकते, आप किसी को आप डराएंगे तो चिकेगी ना। चल लिया, वाह जैसे भी आ जाए ठाकुर, मजा आ गया ना। अभी ऐसे बुड़बुड़ाने से काम नहीं चलेगा, चल जा और माफी मांग। मनीषा, भैया क्या है वो, क्या नाम है उसका? मनीषा। वो ठीक है ना? भैया रात के 12 बजे हैं, आप ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ।
वो ठीक है ना? सुबह, गुड नाइट। वो सो रही है, समझा? सो रही है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद चल के जाके देख ले। मनीषा भैया, फॉर गॉड सेक। क्या नाम है उसका? मनीषा, लिख कर दूं? मैंने उसे बहुत डरा दिया ना। हाँ, बाकी का कोटा कल। गुड नाइट। गुड। क्या बात है, डीसी भी आ जाए? नींद नहीं आ रही है, वो भी एक लड़की की वजह से। छी छी छी। अरे लड़की नहीं, ये तो नाइट ड्यूटी की आदत है मुझे, वरना उस लड़की को कौन देखना चाहता है। मनीषा। क्या नाम है उसका? मनीषा। अब दोनों ने खाना खा लिया ना, वो क्या कर रही है? भैया चलो 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 चलो। ये पूजे, इधर आओ, इधर आओ, सो जाओ, सो जाओ। ओके चलो पूजे। भैया गुड नाइट। नहीं पूजे, एक बात। भैया गुड नाइट। पूजे एक मेरी बात। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो कल इसे वापस भेज दूंगी। आखिर मुझे उनके कमरे में जाकर सोना पड़ा। चार बार दरवाजा खटखटाया उन्होंने। तीन बार। क्या? तीन बार आए थे वो, 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे। मनीषा जी, अरे क्या यार, अच्छे खासे नाम का तूने आंटी बना दिया। अब मनीषा, अगर इस पिस्तौल ने तुम्हें डराया है तो मैं इसे, इसमें दम नहीं है। मनीषा ये पिस्तौल लो और मुझे मार दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। अरे नहीं अजय, नहीं, ये डायलॉग लगता है, कुछ सच्चाई लाओ कुछ। लेकिन ये तो सच्चाई है ना मनीषा? भैया इतने टेंशन में क्यों दिख रहा है? वो फिर आ गए। मुझे बचा लो, पूजा मुझे बचा लो। मनीषा जी, ये हाथ ले लो और ये कब मुझे दे दो। अगर इस हाथ ने तुम्हें डराया है तो इस पिस्तौल से मेरा गला काट दो, वरना जीते जी मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। खबरदार, गाड़ी बुलाओ, मुझे भूख लगी है, वरना मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ऑफिस नहीं गया तो मैं। ए मनीषा, तू इतनी जल्दी उठ गई? क्या रात को सोई नहीं? हाँ। Shut up, stupid. और अब प्रस्तुत है कल रात की घटनाओं का विवरण। कश्मीर से हमें खबर मिली है कि डीसीपी अजय ठाकुर ने अपनी नव विवाहिता पत्नी को इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया कि, अरे वाह, कल तक तो सैली बनकर घूमती थी और अब एक दिन में भाभी बन गई। हाँ, क्या हो रहा है भाई? वाह, इनसे मिलिए। लोग शादी के बाद हनीमून के लिए जाते हैं तो थोड़े शरीफ हैं, घर पे बैठते हैं, लेकिन ये है कि कुछ ज्यादा ही शराफत झाड़ रहे हैं। भैया आप एक नॉर्मल इंसान की तरह कुछ समय मेरी भाभी के साथ नहीं बिता सकते? अरे भाभी के साथ तो पूरी जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी। बिल्कुल नहीं, आज आप ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। मैं फोन करके बोल देती हूँ कि आज डीसीपी अजय ठाकुर पब्लिक सर्विस में नहीं, होम सर्विस में बिजी होने वाले हैं, समझे? अरे नो। हेलो भैया, फोन डेड हो गया। डेड? अरे ये फोन डेड क्यों है? जब्बार, चारों तरफ से घर को घेर लो, चलो। Thank you.
तुम्हारे कानून की सलाखों में इतना दम नहीं थी सीपी कि वह हबीबुल्लाह के खून को कैद कर सके। हराम खोल। शादी मुबारक हो आपको। ए जनान जोई, अपनी जोरू से सीखो डीसीपी। डरो, हम तुम्हारी आंखों में खौफ देखना चाहते हैं। इसे हटाकर देख, मां कसम ऊपर वाला भी तुझे पहचान नहीं पाएगा। अब बोल कमीने, क्या बोलता है तू? हरामजादे। नहीं मुन्ना, नहीं, ऐसे नहीं। इसकी लाश को हमारे गुस्से, हमारे बदले का एहसास नहीं होगा। मौत तो रिहाई होगी इसके लिए, हम इसे ऐसा जख्म देंगे जो जिंदगी भर ना भर सके। आप ठीक कहते हैं भाईजान। याद है ठाकुर, उस रात पहलगांव में तूने यही कहा था ना कि मैं हर कदम पर तुझे याद करूंगा। अब मैं तुझे वो सजा दूंगा कि तू मुझे हर पल याद करेगा। नहीं, बांधो साले को।